બાળકોને શારીરિક અને માનસિક રીતે તંદુરસ્ત બનાવવાના હેતુથી અમદાવાદમાં રમતગમતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સિંધુભવન ખાતે બાળકો માટે યોજાયેલી નિઃશુલ્ક પાર્ટી એન્ડ પ્લે રમતગમતમાં કોઈપણ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરાયો નહોતો. અહીં બલૂન ડ્રમ, નેટ જમ્પ અને માટીમાંથી વિવિધ કલાકૃતિઓ બનાવવી જેવી રમતો જોવા મળી હતી. રમતગમતના સંયોજકે જણાવ્યું હતું કે આવી રમતના કારણે બાળકો શારીરિક શ્રમ થાય તેવી રમતોને વધુ પ્રાધાન્ય આપશે. आज के ज़माने में बच्चों को फिज़िकल गेम खेलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, उनके मेंटल आईक्यू को बिल्ड करना, उनके विजन और थॉट को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे आई थिंक दे इतने मोबाइल और आईपैड में घुसे हुए हैं. आई थिंक आपके बाजू में रहेगा तो भी आई थिंक वो बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन मीलों दूर किसी से वो बात कर रहा है जिसको शायद जानता भी नहीं हो और ना कुछ सीख रहा हो. तो वाई क्यों ऐसी सराउंडिंग में बच्चे को बड़ा करना या उसको वो काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग देना. तो वो एक कोशिश है हैप्पी ऑन पार्टी एंड प्ले की, कि हर बच्चे को एक फिज़िकली चैलेंजिंग प्ले एरिया मिले जहां बच्चा खेल कूद के मज़ा करे.